ना कहा, बच्ची घर छोड़ के आई है, माँ छोड़ के आई है, बाप छोड़ के आई है, बहने छोड़ के आई है, भाई छोड़ कर आई है, सहेलियों को छोड़ कर आई है, अपने घर की छत, अपने बेडरूम को छोड़ कर आई है, अपनी तरतीब को छोड़ कर आई है, अपनी तरजीहात को छोड़ कर आई है, अपनी आदात को छोड़ कर आई है, एक बोल पर ये सब को छोड़ कर एक लड़के के साथ जाके रात को सो जाती है। तो अब इतनी उसको मर्जें लाहिक हैं दुख और गम की, माँ का दर्द, बाप का दर्द, भाइयों का दर्द, बहनों का दर्द, सहेलियों का दर्द, घर का दर्द, दर्द कठे तो वहनन आला वहन है, तरतीब का दर्द, तरजीह का दर्द, खाने पीने का की तरतीब का दर्द, हमारा मुआशरा क्या है, आते ही उसको सूली पे लटका देते हैं। तीसरे दिन इन्हें तो दिल ही नहीं लग रहे थे, मानो फोन की तीर, और वो अपने बेटे के कान पर थी है, सारा दिन माना लग गया, मन तो कभी सलाम भी नहीं किया, वो खामे दुलू का पट्टा, वो ऐसा होता है कि वो बीवी पे चढ़ाई शुरू कर देता है, इसमें मौलवी गैर मौलवी सब बराबर है। तो खामिंद के दवा देना सुभान, यकीन मानो मजा आ जाता, मैं तो सोच कर भी कि मेरे अल्लाह ने हमें कैसी कुरान, कैसा कुरान दिया, कैसी लुगत, लड़के का खामिंद का बीवी से ऐसा सलूक करना कि इन तमाम गमों की वो सलूक दवा बन जाए और उसका घर में दिल लग जाए, अपने ससुराल में उसका दिल लग गया। याद रखना, शक्लों से घर आबाद नहीं होता, अच्छे अखलाक से घर आबाद होता।